नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे। ये दोस्तों मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 10 नंबर की भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और 15 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर लेवल एग्जाम का हार्ड करना होगा तो 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर लेवल आसान करना होगा तो 10 से या फिर 5 नंबर के भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 10 ही नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो 5, 10, 15 कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम से। और यहाँ पे हम सभी टाइप के वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे, लेवल कैसा होगा एग्जैक्ट लेवल देखेंगे। बट मैं बता दूं कि जिस लेवल का भी मैं बताऊंगा उससे आसान लेवल का आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जैसा मैं क्वेश्चन बताऊंगा उन्हीं सबको भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो भी आप एग्जाम में आसानी से बना लेंगे। उससे बाहर दोस्तों कुछ नहीं पूछा जाएगा, एकदम मैंने कलेक्शन रखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन का। तो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी का कुछ फायदा हो सके। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा कि स्ट्राइक का पूछा जाएगा, देखिएगा क्या क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा यहाँ से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है। द साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, मतलब ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है ना, रेशियो में दिया हुआ है। किस रेशियो में दिया? 1:1, 1:2, 1:3, 1:4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इस रेशियो में दिया हुआ है, तीनों साइड का रेशियो ये दिया हुआ है और पेरीमीटर आपको दिया हुआ है। ट्रायंगल का क्या दिया? पेरीमीटर कितना दिया हुआ? 52 दिया। मतलब पेरीमीटर मतलब तीनों भुजाओं का योगफल को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। तीनों साइड के सम को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। देन द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड आपको निकालना है। तो हम लोग को सबसे पहले दो तीन चार का एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 से गुना कर दीजिएगा तो 6 आ जाएगा, फिर उसके बाद 4 आ जाएगा और उसके बाद 3 आ जाएगा। 6 4 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 4 3 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम देखें सबसे छोटा साइड निकालना है तो ये तो सम दिया हुआ है ना, तीनों का साइड दिए सम दिया हुआ, मतलब ये दिया हुआ ए प्लस में बी प्लस में सी, तीनों भुजाओं का सम दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको स्मॉलेस्ट साइड कौन सा दिख रहा है? ये तीन वाला हिस्सा दिख रहा है। तो तीन हिस्सा बटे में टोटल कितना हिस्सा? 10 3 13 हिस्सा। कितना का टोटल? 52 52, तीनों का सम है। अब 13 4 52 होता है, मतलब जो स्मॉलेस्ट साइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा और वो कौन सा साइड है? सी हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने पहला क्वेश्चन बना लिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू को ध्यान से देखिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर वन को यहाँ से हटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू में क्या पूछा गया देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू को देखिए, पूछा गया है कि इफ ए सैलरी इज 25% मोर देन बी सैलरी देन हाउ मच परसेंटेज इज बी सैलरी लोअर देन ए। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए, ए जो इनकम है वो बी का 25% ज्यादा है, मतलब 125% ऑफ बी। परसेंटेज में क्या किया जाता है? अगर ज्यादा बोला जाएगा तो ऐड किया जाएगा, कम बोला जाएगा तो घटाया जाएगा। प्रॉफिट में जोड़ा जाता है, लॉस में क्या किया जाता है? घटाया जाता है। इसलिए हमने क्या किया, बी का 125%, मतलब यहाँ पे का मतलब गुना होता है तो ये गुना था तो इस साइड आके क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा। तो हम इससे क्या करेंगे? ए और बी का रेशियो निकाल देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ए और बी का रेशियो निकाल देंगे। अब 25 से 25 हो जाएगा 25 से 25 चौके हो जाएगा, 5/4 आ जाएगा। अब बोला गया आपसे क्या निकालने के लिए, आप क्वेश्चन में देखिए तो क्या निकालने के लिए बोला गया है कि देन हाउ मच परसेंट इज ए बी सैलरी लोअर देन ए, बी का इनकम ए से कितना कम है। तो बी का इनकम ए से कितना कम है, दोनों को घटा लीजिए तो 1 रुपए का अंतर है। अब किसके तुलना में? ए की तुलना में। तो ए का इनकम कितना है? 5 गुना में 100 करेंगे परसेंटेज में लाने के लिए, मतलब कितना कम है? 20%। कितना कम है? 20% कम है। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 20%, देखिए ऑप्शन में मिल गया, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिएगा, मैंने सबको मिक्स रखा हुआ है। ठीक है, एक बताने का कोशिश किया, अगर आप लोगों को डिटेल में देखना होगा तो मैंने रेलवे के लिए बेसिक क्लास बनाया हुआ है, उसे आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। 3 में रवि सेल्स एन आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 12% 1/2%, मतलब इतने प्रॉफिट पे एक आर्टिकल को बेच देता है। इफ ही हैड सोल्ड इट एट 22.5
मोर, मतलब जो पहले सेलिंग प्राइस था उससे 22.5 रुपीज ज्यादा पर बेचता है तो उसको 25% का गेन होता है, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो बेस क्या होता है, मैंने आपको रेलवे के क्लास में बताया कि सीपी क्या होता है, बेस होता है, ठीक है, सब जगह कॉन्सेप्ट एक ही होता है। अब यहाँ पे क्या करता है, 12.5 लिखेंगे ना, 12 फ्रैक्शन 1/2 को 12.5 लिखेंगे, तो 100 में इसको ऐड कीजिएगा क्योंकि प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट मैंने बताया था कि 100 में ऐड कीजिएगा तो 112%, 112.5% ऑफ सीपी प्लस में 22.5 रुपीज ज्यादा लेके बेचते हैं इसको, ठीक है, 22 रुपये 50 पैसे ज्यादा लेके बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा सीपी पे 125%, मतलब सीपी का कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। तो अभी काटिएगा नहीं, अभी नहीं काटिएगा, तो ये सीपी, ये यहाँ भी सीपी है, यहाँ भी सीपी है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे एक साइड लेके, लाइक टर्म को एक साथ लाएंगे और घटा देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा, 125 में से 112 जाएगा, तो 12.5% ऑफ सीपी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा, तो ये 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 100 से 100 क्या होगा, कटेगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 100 से 100 कटेगा, नहीं भी लिखते तो चल जाता, और यहाँ भी तो पॉइंट है ना, तो यहाँ 10 आ जाएगा नीचे, और कुछ है यहाँ पे 25 से 25, 25 25 से 25 90, अब ये 5 से 18 बार में कट जाएगा, मतलब सी पी इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 180, ये 10 नीचे है ना, तो ये गुना होगा तो 180 हो जाएगा, तो 18 गुना में 10 है 180 रुपीज, मतलब सामान का दाम कितना हो गया, 180 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, और ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये किस चीज का क्वेश्चन है, मिक्सर का क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन क्या था, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, ठीक है, यहाँ देखिए, ए वेसल कंटेन लिक्विड पी एंड क्यू इन द रेट ऑफ ए 5:3, मतलब P अगर निकालना चाहे हम लोग तो 5x मान लेते हैं, और Q को हम लोग निकालना चाहे तो Q को हम लोग 3x मान लेते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, P और Q का वैल्यू दिया हुआ है, इफ ए 16 लीटर ऑफ दी मिक्सर आर रिमूव फ्रॉम दी सेम क्वांटिटी ऑफ ए लिक्विड Q एडेड, अगर इन दोनों से 16 लीटर को रिमूव किया जाए, मतलब P से कितना रिमूव होगा, P से रिमूव होगा 16 गुना में 5:2 कितना है, यहाँ रेशियो 5:3 में मिलाया गया है, तो पी का 5 हिस्सा टोटल 8 हिस्सा, तो 5/8 हो जाएगा, तो काटिएगा इसको दो बार में, मतलब पी से 10 लीटर और क्यू से कितना हो जाएगा, 16 6 लीटर निकाला गया है, ठीक है, टोटल 16 लीटर में से, तो ये हमने निकाल लिया कि किससे कहाँ से कितना निकाला गया है। अब यहाँ देखेंगे आगे जाके, हम लोग आगे जाके देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अनुसार क्या किया जा रहा है कि 5x, मतलब P का वैल्यू 5x है, 5x में से 10 निकाला जा रहा है, और Q का वैल्यू कितना है, 3x है, 3x में से 6 निकाला जा रहा है और 16 ऐड किया जा रहा है, ठीक है, तो ये रेशियो कितना भी कम हो जाता है, ये रेशियो कितना भी कम हो जाता है, 3:5 हो जाता है, ये रेशियो क्या हो जाता है, 3:5 हो जाता है, लिखा हुआ है ना सेम, मतलब सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड क्यू इज एडेड, क्यू इज एडेड लिखा हुआ है, ठीक है, क्यू में 16 लीटर हमने पानी को ऐड किया, तो ये चीज आपको नहीं दिख रहा होगा, ये चीज आपको नहीं दिख रहा है, तो हम इसको कहाँ लिखें, थोड़ा सा इसको फिर से लिखते हैं, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट आपको नहीं दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, 5x से माइनस में 10 लीटर यहाँ से निकाल लिए, और 3x से माइनस में 6 लीटर निकाले और 16 लीटर ऐड किए, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा, अब आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे सॉल्व करने के बाद, यहाँ पे हो जाएगा जब सॉल्व कीजिएगा तो 5×5=25x हो जाएगा, माइनस में 50 हो जाएगा, और यहाँ पे 3×3=9x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे इन दोनों को घटाएंगे तो +10 हो जाएगा और यहाँ +30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, इक्वल टू के बाद सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 16x हो जाएगा, 16x, और यहाँ पे 80 हो जाएगा, 16×5 मतलब x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया था कि व्हाट क्वांटिटी डज दी वेसल होल्ड, ठीक है ना, व्हाट क्वांटिटी डज दी वेसल होल्ड, तो ये तो 5 लीटर x का वैल्यू निकल गया, ठीक है, x का वैल्यू क्या निकल गया, 5 लीटर, और यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, कितना क्वांटिटी वेसल होल्ड करेगा, तो टोटल यहाँ पे 8x होल्ड करेगा, 5×3=8x है,
तो 8 × 5 कर देंगे, मतलब 40 लीटर क्वांटिटी है, मतलब वॉल्यूम पूछा गया है वेसल का, जो वॉल्यूम है ना वो 40 लीटर का हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था, और अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए आगे लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि दी रिटेल प्राइस ऑफ दी वाटर गैस ग्लेशियर इज 1265, इफ दी मैन्युफैक्चरर गेन 10%, द होलसेल डील गेन 15%, ठीक है ना, द रिटेलर गेन 25%, देन कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या होता है, बेस क्या होता है, सीपी होता है। ठीक है, सबसे पहले सामान का दाम होगा। अब क्या होता है कि एक रिटेलर जो है वो फाइनली उसको 1265 रुपये में बेचता है, मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया है, सीपी निकालना है। एसपी कितना दिया है, 1265 दिया हुआ है। ठीक है, 1265 दिया हुआ है, और उसके बाद बोला गया है कि इफ यदि मैन्युफैक्चरर जो बनाता है उसको 10% का गेन होता है, तो कहाँ पे गेन होगा, सीपी पे। तो 10% का गेन होता है जो सामान को बनाता है, तो ये लिख दिया हमने 10% है। उसके बाद होलसेल में जाता है तो 15% का गेन होता है, होलसेल में जाएगा तो 15% का गेन होगा। उसके बाद हम देखेंगे, होलसेल में जाएगा तो 15%, उसके बाद रिटेलर मतलब दुकान में जाएगा तो 25%, मतलब 125% हो जाएगा, और टोटल यहाँ पे जो फाइनल सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1265 आ जाएगा रिटेलर वाला। तो इससे हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, और उसके बाद 23 बार में और 5 से 20 बार में 25 से 25 चौके, अब ये 5 से तो कटेगा, 5 का 5, 5 दूना 10 होता है, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 5 25 से 253 बार में, 23 से 11 बार में मुझे लगता है कटेगा, 11 से 1 बार में कट जाएगा, 11 एकम 11। अब यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 बचा, यहाँ से 4 बचा, यहाँ से 10, मतलब सी पी इज इक्वल टू में 20 × 4 × 10, 20 × 4 × 10, और यहाँ से सीपी कितना आ जाएगा, सीपी इज इक्वल टू में 800 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सीपी इक्वल टू में 800 आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि कितने आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ए पाइप कैन फिल ए सिस्टर्न इन 6 मिनट, मतलब एक टंकी को 6 आवर में भरता है ड्यू टू लीकेज ऑफ बॉटम, क्या होता है कि इट फिल्ड 7 आवर, मतलब लीकेज के कारण 7 आवर में ये फिल होता है। तो आपको निकालना है कि व्हेन द सिस्टर्न इज फुल इन हाउ मच टाइम विल इम्पटी बाय लीकेज, मतलब कितने, अगर सिस्टर्न जो टंकी है वो कंप्लीटली भरा हुआ है तो कितने समय में लीकेज के कारण वो खाली हो जाएगा, तो आपसे ये चीज पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कुछ नहीं करना है, जब खाली होता है तो माइनस हो जाएगा और जब भरता है तो प्लस हो जाएगा, तो 1/6 कर लीजिए। टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को क्लियर होगा तो उससे आप बना सकते हैं, जो भी टाइम दिया है उसको क्या कीजिए, 1/ के फॉर्म में लिख लीजिएगा। ठीक है, प्लस में लिखेंगे और खाली करता है मैं दूसरे कंडीशन में तो -1/7 हो जाएगा, बस इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, या 6 और 7 का एलसीएम भी ले लीजिएगा तो अभी आपका आंसर आ जाएगा। 6 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 42, 7 माइनस में 6 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/42, मतलब उसको लग जाएगा 42, क्या लग जाएगा, 42 आवर लग जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 42 आवर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 42 आवर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 में पूछा गया है कि राम ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस 3 किलोमीटर पर आवर एंड रीच 15 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, इफ ट्रेवल करता है 4 किलोमीटर पर आवर तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस है उसको कवर करना है। ठीक है, डिस्टेंस आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 में, तो देखिएगा कैसे बनाएंगे। डिस्टेंस दोनों कंडीशन में सेम होगा, d1 इक्वल टू में d2, अब d1 क्या हो जाएगा, v1 गुना में t1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, v2 इंटू में t2 हो जाएगा। अब v1 दिया हुआ है 3 किलोमीटर, यहाँ पे 3 किलोमीटर दिया हुआ है, गुना में क्या हो जाएगा, t प्लस में 15 हो जाएगा, गुना में कितना हो जाएगा, t प्लस में 15, और यहाँ पे 4 किलोमीटर हो जाएगा, गुना में क्या हो जाएगा, टी माइनस में 15, मतलब यहाँ पहले पहुंचता है तो माइनस में 15 हो जाएगा। अब मिनट में है तो हम 60 से भागा दे भी सकते हैं, बट दोनों तरफ देंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, गुना करके सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे 3t हो जाएगा, प्लस में 15 दिए 45 हो जाएगा, और यहाँ 4t हो जाएगा, माइनस में 60 हो जाएगा, टी इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे जाके ऐड होगा तो 105 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 105 मिनट हो जाएगा।
ठीक है, 105 मिनट होगा। अब इक्वेशन के किसी भी पार्ट में इसको पुट कीजिए, या फिर यहाँ पुट कीजिए, नहीं तो यहाँ पुट कीजिए, कहीं भी पुट कीजिएगा बन जाएगा ये। तो चलिए हम यहाँ से ही निकालते हैं पहले वाले पार्ट से। तो पहले वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, 3 × 105 प्लस में 15/60 आवर में चेंज करने के लिए, क्योंकि स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 120 आएगा, 60 से 2 बार में कटेगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 किलोमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस कितना निकल जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू में 6 किलोमीटर। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं। मैं समझा रहा हूँ इसलिए दोस्तों आप लोग को टाइम लग रहा है, ठीक है। आप लोग तो इतना स्टेप लिखिएगा नहीं, आप लोग तुरंत लिखिएगा, आप लोग यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा और सीधा जो ऑप्शन है उसको भी पुट करके बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों हमने बना लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि इन ए मिक्सर 45 लीटर द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज 3:2। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया 3:2 दिया हुआ है, तो देन हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड द रेशियो बिकम 9:11। मतलब कितना वाटर ऐड किया जाएगा। तो देखिएगा इसका बनाने का तरीका क्या होता है, ठीक है। मिक्सर का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिएगा मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। ये पहला हिस्सा हो गया। उसके बाद टोटल है 45। टोटल कितना है, टोटल है यहाँ पे 45, मिल्क प्लस में वाटर कितना है 45 है, 45 लीटर होगा, 45 लीटर है यहाँ पे, ठीक है। टोटल कितना है 45 है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है, आगे क्या हो जाएगा, मिल्क निकालिएगा इस 45 में से, तो कितना हो जाएगा, 45 गुना में कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। 45 गुना में 3/5, 9 से काटिए, मतलब 27 लीटर क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर हम लोग वाटर निकालेंगे तो ये 18 लीटर हो जाएगा, 45 में से 27 को घटा लीजिए। तो यहाँ तक तो निकाल लिया हमने। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर अगर कितना वाटर ऐड किया जाए, मतलब 27 में कुछ ऐड नहीं किया जाएगा बट 18 में आपको एक्स ऐड करना होगा, तब जाके ये रेशियो क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा बोला गया है। बस इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ 307 हो जाएगा गुना करने पे, और यहाँ 307 हो जाएगा, या काटिए ना इसको, कैंसिल आउट तो होगा ही, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, 3 बार में कटेगा, मतलब यहाँ 33 हो जाएगा और यहाँ 18 प्लस में एक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 15 लीटर। x का वैल्यू कितना आ गया, 15 लीटर। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है दोस्तों, कितने आसानी से हमने बना लिया क्वेश्चन नंबर 8 को। आगे लिखेगा क्वेश्चन नंबर 9 लिखेगा, ए पर्सन कैन रो विथ द स्ट्रीम 8 किलोमीटर पर आवर एंड अगेंस्ट स्ट्रीम 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द वाटर करंट निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, देखिएगा मैंने इसको बोट एंड स्ट्रीम का जब रेलवे का क्लास लिया था तो मैंने इसको अच्छे से बताया हुआ है, तो बेसिक क्लास को आप देख लीजिएगा तो आपको सारा कुछ कवर हो जाएगा। और मैंने बेसिक क्लास बना दिया रेलवे के नाम से, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बाद वाला जो प्लेलिस्ट है ना वो इसी का है, रेलवे का है, तो वहां से आप चाहे तो मैथ्स का बेसिक क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा यहाँ क्या है, स्ट्रीम का जो बोट का स्पीड होता है उसको एक्स मानते हैं और जो पानी का स्पीड होता है उसको वाई मानते हैं। तो एक्स प्लस में वाई 8 दिया हुआ है, मतलब अगर पानी के बहाव की दिशा में जाएगा तो प्लस होगा और पानी के बहाव के अपोजिट दिशा में जाएगा तो स्पीड घटेगा, मतलब माइनस हो जाएगा। दोनों को सॉल्व कीजिए तो x इज इक्वल टू में 14/2 आ जाएगा, मतलब 7 निकल जाएगा। y इक्वल टू में क्या निकल जाएगा, ट्रिक मैंने सब बताया हुआ है रेलवे के क्लास में, तो वहां देखिएगा यहाँ पे 2/1 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, मतलब ये 1 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया, 1। तो यही आपसे पूछा गया कि जो पानी का बहाव का स्पीड है वो कितना है, तो 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है, तुरंत आप देख के बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। 8 + 6 कीजिए, उसको 2 से भागा कीजिए, 8 - 6 कीजिए, उसको 2 से भागा कीजिए। तो पानी का पूछा है तो कम होगा, बोर्ड का पूछा है तो ज्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कितने आसानी से हम लोग बना रहे हैं सभी क्वेश्चन को। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है। देखिएगा पूछा गया है कि ए फादर एज 3 times ऑफ द सन एज, ठीक है। जो फादर है अपने पिता का, अपने पुत्र का 3 गुना है, ये लिखा हुआ है। सन एज ऑफ इज 2 चाइल्ड, मतलब उसके चाइल्ड कितने हैं, 2 है, मतलब f इक्वल टू में 3 गुना में
ए प्लस में बी, दो चाइल्ड का एज मान लिया हमने ए और बी मान लिया, ठीक है। तो अगर हम लोग ए प्लस बी का वैल्यू निकाल ले यहाँ पे, तो एफ बाई थ्री निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? एफ बाई थ्री निकल जाएगा। यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये पहला लाइन बोला हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है बट 20 ईयर हेंस, मतलब 20 साल के बाद हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर एज, मतलब 20 साल के बाद क्या होता है, उनके बच्चों का योग, जो उसके उसके फादर का योग क्या हो जाएगा, दोनों बच्चों के एज के बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या बोला गया है कि यहाँ पे हमारे पास स्पेस ज्यादा है, तो लिखते हैं यहाँ पे एफ प्लस में 20, 20 साल के बाद एफ प्लस में 20, और बच्चों में क्या हो जाएगा, ए प्लस में बी, तो बच्चों का एज हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, 20 प्लस में 20, पहले बच्चे का एज में भी 20 साल इंक्रीमेंट होगा, दूसरे बच्चे के भी एज में भी क्या होगा, 20 साल का इंक्रीमेंट होगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगा नया, एफ प्लस में 20 आपको दिया नहीं पता, ए प्लस में बी का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। ये क्या है, एफ बाई थ्री है। कितना है, एफ बाई थ्री है, प्लस में 40 हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इस एफ बाई थ्री को इधर ला के घटा देंगे एफ में से, तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, 2/3 ऑफ एफ आ जाएगा, और यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20 से ये 40 में से 20 जाएगा, तो 20 है ये 10 निकल जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा फादर का एज आ जाएगा 30 साल। फादर का एज अभी कितना है, वर्तमान में 30 साल का है, ठीक है। आपसे वर्तमान का एज पूछा तो वर्तमान का बताएंगे, जब का एज पूछा तब का आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ आंसर अभी मुझे लगता है कि 30 साल आएगा, और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में 5 साल के बाद का भी एज पूछा जा सकता है, 2 साल के बाद भी पूछा जा सकता है, या पहले भी पूछा जा सकता है, तो वो आपको ध्यान देना होगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या पूछा गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया कि ए सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट सर्टेन रेट ऑफ ए, मतलब 3 साल के लिए किसी पैसे को लगाया जाता है, ठीक है, ये बोला गया साधारण ब्याज पे। हैड इट बीन पुट ए 1% हाइयर, मतलब जो पहले रेट था उससे 1% ज्यादा पे, मतलब मान लीजिए पहले रेट था 5%, तो अभी 6% पे लगाया गया है। इट वुड हैव जो मतलब आपको SI मिलेगा 5100, मतलब SI दिया हुआ 5100, ठीक है। क्वेश्चन में SI कितना दिया हुआ है, 5100। अब देखिएगा हमें एक ही फॉर्मूला पता है, SI इक्वल टू में क्या होता है, I इक्वल टू में PRT अपॉन में 100, यही फॉर्मूला पता है ना, बस इसी पे पुट कर दीजिए, जो भी दिया है बस इसी पे पुट कीजिए। तो 5100, P का वैल्यू आपको नहीं पता है, रेट 1% हाइयर और 3 साल के लिए, यही बोला गया है, बस इसको 17 बार में काटिए, मतलब P इक्वल टू में कितना निकल जाएगा, 1,70,000 निकल जाएगा, 1,70,000 P आपको निकल जाएगा, यही आपको निकालना था, केवल आपको 3 से भागा दे देना था और कुछ नहीं करना था। ये क्वेश्चन देखिए कितने आसानी से बन गया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, 12 में पूछा गया है कि फ्रॉम द अमाउंट 36 ए टीचर इन ए स्कूल वन प्रिंसिपल और वन वाइस प्रिंसिपल है आर टू बी अपॉइंटेड, तो ऐसा कितने तरीके से किया जा सकता है, तो ये परमुटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा NP मतलब है 36, मतलब जितना भी होंगे 36P2, ठीक है ना, ये किस फॉर्मूले पे, NPR के फॉर्मूले पे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस में r फैक्टोरियल, ये होता है, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना, 36 है, फैक्टोरियल 36 बाई फैक्टोरियल 34 हो जाएगा, 2 घटाइएगा तो 34 हो जाएगा ना, 36 में से 2 घटाइएगा, n माइनस में r मैंने बताया, तो उतना लिखना क्या है, डायरेक्ट लिखेंगे। अब 36 गुना में 35 इसको लिख सकते हैं, गुना में 34 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और अपॉन में 34 फैक्टोरियल पहले से दिया है तो ये कटेगा ये कटेगा। अब 36 गुना में 35 कीजिएगा तो मुझे लगता है कि 1260 आ जाएगा, मतलब आपका 1260 तरीके से ये सिलेक्शन, मतलब ये अरेंजमेंट किया जा सकता है, ये 36 फ्यूचर में से दो लोगों को इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1260, ऑप्शन नंबर ए। तो देख सकते हैं कि आसान सा क्वेश्चन है, तुरंत आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में एक कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, 52 कार्ड की पत्तियों में से
एक कार्ड निकाला जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू कार्ड हॉट और टू कार्ड डायमंड, मतलब हॉट और डायमंड अलग होना चाहिए टोटल, ये प्रोबेबिलिटी निकालना कि दो या तो हॉट होना चाहिए या फिर डायमंड। जब भी और आता है तो उसके लिए प्लस लिखेगा, और जब भी एंड आता है ना तो उसके लिए क्या लिखते हैं, एंड के लिए मल्टीप्लाई लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अपॉन में नंबर ऑफ इवेंट, नहीं नंबर ऑफ इवेंट अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 13 होता है ना, हार्ट कितने होते हैं, शायद 13 होते हैं, 13 में से दो निकालना है, प्लस में फिर से 13, जो डायमंड लिखा हुआ है तो डायमंड भी क्या होता है 13 होता है, तो 13 में से दो निकालना है, और नीचे क्या लिखेंगे 52C2 लिखेंगे। ठीक है, अब ये सोच रहे होंगे कि ये साला ये क्या है, मतलब ये NC2 क्या है, NC मतलब NCR का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये जो किस फॉर्म में लिखा है, NCR के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस में r फैक्टोरियल। केवल परमुटेशन में क्या होता है कि फैक्टोरियल r नीचे में नहीं होता है, यहाँ पे होता है, बस इसको सॉल्व कीजिएगा, इसमें पुट करके एक मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। फैक्टोरियल 13 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 11 डायरेक्ट सॉल्व करूंगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इसको लिखेंगे 13 गुना में 12, 11 से 11 कट जाएगा फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल 2 गुना में 1 होता है, तो ये 78 हो जाएगा, मतलब पहला वाला क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, दूसरा भी 78 हो जाएगा, और 52C2 ऐसे ही निकाल लीजिएगा, तो 52C2 आ जाएगा 1326, निकाल लीजिएगा, मैंने तरीका आप लोगों को बता दिया अभी। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 गुना में 78 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 गुना में 78 आ जाएगा, 2 गुना में 78 बटे में 1326 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करके सॉर्ट कीजिए, तो इसको सॉल्व करके लिखिएगा, तो 2/17 आ जाएगा, ये सॉल्व करके लिख लीजिएगा। मेरा काम क्या था कि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बता देना कि एग्जाम में आप लोग छूटे नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले हम हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में सम इज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एट कंपाउंड इंटरेस्ट 5%, 10%, 20% पे ये अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट किए जाते हैं कुछ पैसे। इन 3 ईयर इफ द अमाउंट ऑफ द सम, मतलब 3 साल में कितना हो जाता है ये पैसा, 16,632 रुपए हो जाता है, मतलब ये अमाउंट लिखा हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है e इक्वल टू में p इंटू में 1 प्लस में r बाई 100 टू द पावर n होता है। तो अमाउंट कितना दिया, 16,632, कोई दिक्कत नहीं है, p हम लोग को पता नहीं है, और यहाँ रेट यहाँ तीन तीन बार दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, शुरुआत में 105 करेंगे, 100 में ऐड कर दीजिए सबको, उसके बाद दूसरी बार में क्या हो जाता है, 110 हो जाएगा, और तीसरी बार में क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि आखिरी में क्या हो जाता है, 20 होता है। अब इसको काटिए, जहाँ जहाँ कट जाता है वहाँ काटिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 21 बार में कटा, ये 20 बार में कटेगा, अब ये कटेगा नहीं, ये 6 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, जितना कटेगा उतना काटिएगा। अब यहाँ देखिएगा 11 से 11 से काट सकते हैं इसको, 11 एकम 11, ठीक है, मैं काट के नीचे लिखता हूँ, ऊपर मेरे पास जगह नहीं है, 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा, 11 एकम 11 हो जाएगा, और 11 दूना 512 होना चाहिए, ठीक है, 1512 होना चाहिए, ठीक है, 11 से हमने काटा। अब ये 21 से कटेगा क्या, डायरेक्ट काटे 21 से, नहीं 3 से काटते 3 का 3 5 15 504, अब ये 7 से भी कटेगा, 7 का 7 7 49 7 दूना, और ये 6 से कटेगा 12 बार में, मतलब कि यहाँ पे p इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 12, और ये 20 गुना में 5 गुना में 10 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखे p को सॉल्व करके तो कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, मतलब 12000 कितना था, प्रिंसिपल था, 12000 क्या था, प्रिंसिपल था। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमने काफी आसानी से बना लिया क्वेश्चन नंबर 14 को। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, द अपस्ट्रीम
स्पीड ऑफ ए बोट इज 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये अप स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, विच इज 500% मोर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मान लीजिए यहाँ पे वाई, मान लीजिए वाई का 500% ज्यादा है, मतलब टोटल 100 में ऐड कर दीजिएगा तो 600% वाई का 600% है। ये क्या दिया हुआ ना, ये हो जाएगा 18 किलोमीटर हो जाएगा। अब ये कटेगा मतलब 6 दिया, मतलब जो वाई का जो बहाव का स्पीड निकल जाएगा वो 3 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमने लिख लिया। उसके बाद लिखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, उसके बाद देखिएगा विच इज, ये मैंने बता दिया पहला लाइन, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस बोट विल कवर इन 3 आवर, 3 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब टाइम आपको दिया हुआ है 3 आवर, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ देखिएगा डाउन स्ट्रीम मतलब बहाव की दिशा में 3 घंटे में कितना किलोमीटर कवर करेगा, तो x इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ 18, x इज इक्वल टू में 18, y इक्वल टू में कितना निकाला 3, मैंने बताया बहाव की दिशा में पहले क्वेश्चन में बताया था कि x प्लस y करते हैं, मतलब 18 प्लस में 3 कीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी निकल गया, मतलब ये क्या निकल गया, वेलोसिटी निकल गया। अब डिस्टेंस आपको निकालना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू में वेलोसिटी इनटू में टाइम, वेलोसिटी हो गया 21 गुना में कितना हो जाएगा 3 आवर हो जाएगा, मतलब है 21 गुना में 3 हो जाएगा ना, 21 गुना में 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ 63 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना निकल जाएगा 63 किलोमीटर। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने बना लिया। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने आ चुका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 में आपसे पूछा गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू में 252, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी होता है, ब्रैकेट बंद ए माइनस में बी होता है, ठीक है, ए प्लस में बी, ए माइनस में बी, 252 दिया हुआ है, ठीक है। अब a प्लस बी का वैल्यू दिया है 42, तो यहाँ लिखा हुआ है a प्लस बी इक्वल टू में 42, तो यहाँ लिखिए 42 गुना में a माइनस बी हो जाएगा, 42 गुना में a माइनस बी इक्वल टू में कितना आ जाएगा 252। अब यहाँ 21 का हो जाएगा, 21 का 21 21 दुना हो जाएगा, 21 का 21 21 से दुना 42 हो जाएगा, मतलब ये 6 बार में कट जाएगा, मतलब a माइनस बी कितना आ जाएगा, a माइनस बी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू में 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b पूछा है, b का वैल्यू कितना होगा ये आपसे पूछा गया है, तो a प्लस में b कितना दिया हुआ है, a प्लस में b दिया हुआ है 42, ठीक है, a प्लस में b कितना दिया हुआ है 42 दिया है, हमने सही किया है, देख लीजिएगा हमने सही किया है कि नहीं किया है सही, ठीक है। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया a प्लस में माइनस में b निकाल लिया, और a प्लस में b कितना दिया था, a प्लस में b कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में देखे तो दिया हुआ है, a प्लस में b का वैल्यू दिया हुआ है 42 दिया हुआ है। अब इनको सॉल्व कीजिए और a और b का वैल्यू निकालिए, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 42, इन दोनों को ऐड कीजिएगा और 2 से भागा दीजिएगा, तो 42 प्लस में 6 48 बटे में 2, मतलब a का वैल्यू हो जाएगा 24 है और b का वैल्यू हो जाएगा, इन दोनों को घटाइए 36 से 36 बटे में 2 हो जाएगा, तो यहाँ 18, मतलब b इक्वल टू में कितना आ जाएगा 18, आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, आप लोग को इतना नहीं करना होगा क्योंकि आप लोग को एग्जाम में बनाना है, अभी मुझे समझाना है इसलिए मैं पूरा स्टेप से आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा ध्यान से, यहाँ दिया गया है कि ए किसी काम को 40 दिन में करता है और ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, ए उस काम को ए और बी का कितना रेशियो दिया हुआ है, ए अनुपात बी, जो काम करने का जो दिन लगाते हैं उनका रेशियो दिया है 5:3, मतलब यहाँ ए को मान लीजिए 5x मान लीजिए और बी को कितना मान लीजिए 3x मान लीजिए, ठीक है, ए को 5x मान लिए, बी को 3x मान लिए, तो आपको निकालना देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज बोथ विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर, कितने दिन में दोनों मिलकर उस काम को पूरा करेंगे, ठीक है ना, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो 5x है, ए का वैल्यू दिया है 40, तो 40 के इक्वल कीजिए और इक्वल टू में 5x हो जाएगा, क्योंकि ए का रेशियो में भी वैल्यू दिया हुआ है 5x। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए तो x इज इक्वल टू में 8 निकल जाएगा, x इज इक्वल टू में 8, और b इक्वल टू में कितना निकल जाएगा, x का वैल्यू पुट कीजिएगा 8 तो 24 निकल जाएगा, a को लगता है 40 दिन, b को लगता है 24 दिन। अब यहाँ पे क्या कीजिए, आपसे दोनों का एक साथ पूछा गया है तो 1/40 प्लस में 1/ कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 120 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, भागा दीजिएगा 40 से प्लस में 24 से भागा दीजिएगा तो 5 हो जाएगा, मतलब 8/120 आ जाएगा, काटिएगा तो ये 15 आ जाएगा, मतलब 1/15 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/15,
दिन आ जाएगा, ठीक है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, 1/15, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/15 मतलब कि क्या हो जाएगा, जो टोटल जो आंसर हो जाएगा 15 दिन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 दिन लगेंगे, ए और बी दोनों एक साथ मिल जाते हैं तभी ये काम 15 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितने आसानी से इस क्वेश्चन को हमने बनाया। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है। ए ट्रेन हैविंग स्पीड, मतलब एक ट्रेन की गति कितना दिया है, 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। क्या करता है ये ट्रेन, 18 सेकंड में एक खंभे को पार करता है, 18 सेकंड में एक पॉल को पार करता है और प्लेटफॉर्म को पार करता है 33 सेकंड में। मान लीजिए ट्रेन का लेंथ हम लोग को नहीं पता है, तो सबसे पहले ट्रेन का लेंथ निकालना होगा। तो बाकी सब तो मीटर में दिया है, तो इसको भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 72 गुना में क्या हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा, कैंसिल आउट कीजिएगा 4 बार में, मतलब ये कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि क्रॉस ए पॉल इन 18 सेकंड, मतलब एक पॉल को कितने सेकंड में पार करता है, 18 सेकंड में, तो खंभे को पार करता है, ठीक है। तो यहां से हम ट्रेन का लेंथ निकाल सकते हैं, ट्रेन का लेंथ निकाल सकते हैं, ट्रेन का लेंथ निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ट्रेन का लेंथ जल्दी से निकाल लीजिए, तो यहाँ 20 हो जाएगा। लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ मतलब डिस्टेंस हो जाएगा, और डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इंटू में टाइम होता है। वेलोसिटी 20 हो गया, और टाइम कितना लगता है एक खंभे को पार करने में, एक खंभे को पार करने में टाइम उसको लग जाता है 18 सेकंड, मतलब ये ट्रेन का लेंथ निकल जाएगा 360 मीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म को मान लीजिए, प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है उसको मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिएगा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 360 ट्रेन का लेंथ हो जाएगा प्लस में ये प्लेटफॉर्म का लेंथ हो जाएगा। तो ये हमने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इंटू में टाइम होता है। वेलोसिटी इंटू में टाइम, 360 प्लस में एक्स हो गया, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी ट्रेन का 20 दिया हुआ है, टाइम कितना लगता है प्लेटफॉर्म को पार करने में, ये लगता है 33 सेकेंड लगता है लिखा हुआ है। अब 360 प्लस में एक्स हो जाएगा, अब यहाँ पे जो लिखेंगे 360 लिखेंगे इक्वल टू में, दिख रहा होगा आप लोग को, इक्वल टू में 360 प्लस में एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब ये 360 को यहाँ ले जाकर घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, प्लेटफॉर्म का लेंथ निकल जाएगा 300 मीटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 300 मीटर निकल जाएगा प्लेटफॉर्म का लेंथ। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, और कितने आसानी से हम लोग सभी क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 66 है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है कि द सर्कमफेरेंस, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 66 दिया है, तो सी इक्वल टू में 66 दिया हुआ है, ठीक है। सी इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, 66 दिया हुआ है। उसके बाद देखिएगा 66 सेंटीमीटर, तो सर्कमफेरेंस से हम क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। तो सी इक्वल टू में क्या होता है, 2πr, 2πr 2 गुना में, पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, ये वैल्यू 66 दिया हुआ है, 22 दिया हो जाएगा, मतलब यहाँ से आर इक्वल टू में कितना निकल जाएगा, आर इक्वल टू में 21/2 निकल जाएगा। तो ये रेडियस निकल जाएगा उस सर्कल का, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फाइंड डी अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ स्क्वायर का एरिया निकालना, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 2 टाइम्स ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, मतलब 2r इक्वल टू में a, मतलब साइड ऑफ द स्क्वायर a मान लिए। अब यहाँ पे 2 गुना में r, मतलब यहाँ पे 2r नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान से ये स्टेटमेंट को देखिएगा क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर एरिया स्क्वायर का निकालना, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल मतलब r के बारे में कहा जा रहा है, 2 टाइम्स ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर, मतलब आर इक्वल टू में 2 है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, आर का तो वैल्यू हम लोग को पता है 21/2, आर का वैल्यू कितना है 21/2, और 2a, मतलब यहाँ से अगर a का वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो कितना निकल जाएगा, a का वैल्यू निकल जाएगा 21/4 निकल जाएगा। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा 21/4। अब एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर होता है,
बस यहाँ 21/4 लिख दीजिए, द होल स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 441/4 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करके देखिए, ठीक है। अप्रोक्सीमेट बताना है, लगभग में बताना है। यहाँ आंसर है लगभग में 28 आ जाएगा, ये 28 बार में 27 पॉइंट कुछ होगा, तो 28 बार में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे मैं लिख दूँ ऑप्शन नंबर ई। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया कि एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% एट 1020 रुपीज, ठीक है। तो पहले एमआरपी पे डिस्काउंट लगता है, ये हम लोग को पता है, और कितना लग जाएगा 20%, मतलब 100 में से घटाएंगे तो 80% हो जाएगा। उससे क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस, जो कि 1020 दिया हुआ है, ठीक है, यहां तक आया समझ में। उसके बाद देखिएगा, इफ द आर्टिकल वाज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ, यदि कहा जा रहा है कि यदि डिस्काउंट 199 रुपीज हो जाए इन प्लेस ऑफ 20%, इन प्लेस ऑफ 20% की जगह पे डिस्काउंट आपका 199 रुपीज हो जाए, तो आपसे क्या पूछा गया है, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, पहले एमआरपी निकालना है, 10 से 10 कटेगा, 4 से ये कटेगा नहीं कटेगा, 2 से 4 से कटेगा नहीं कटेगा ना, तो 2 से कटेगा 4 बार में, और ये 51 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, ठीक है। गुना कीजिएगा, 51 गुना में 25 कीजिएगा, तो 51 गुना में 25 कितना आएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 51 गुना में 25 से कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए 51 गुना में 25 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1275, आप गुना करके देख लीजिएगा ये कितना आ जाएगा, 1275 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया 1275। अब 199 रुपये डिस्काउंट है, तो 199 इसमें से घटा दीजिए, 1275 में से, सॉरी 199 घटाना है ना, 199 घटा देंगे, तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा 1076। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ 1076, डिस्काउंट एमआरपी में से घटाएंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, तो कौन सा आंसर है 1076, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देख सकते हैं कि आसान सा क्वेश्चन है और आसानी से भी हमने बना लिया, तो क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों बन गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, हटा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया, पूछा गया द टोटल एज ऑफ ए बी सी 4 ईयर हेंस विल बी 98 ईयर, विल बी 98 ईयर, ये टोटल एज दिया हुआ है ए बी सी, मतलब तीनों का 4 साल के बाद का एज दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी का 4 साल बाद 98 ईयर दिया हुआ है, तो 4 साल पहले, मतलब 4 साल बाद, तो 4 साल पहले वर्तमान एज निकलेगा, तो वर्तमान एज कैसे निकालेंगे, तीनों के लिए 12 साल घटा देंगे, 4 साल इसका होगा, 4 साल इसका होगा, 4 साल इसका होगा, मतलब 12 साल, ये क्या हो गया, प्रेजेंट एज हो गया, ए प्लस में बी प्लस में सी, मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रेजेंट एज है 86 वर्ष आ जाएगा, घटा के आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, 86 वर्ष आ गया ए प्लस में बी प्लस में सी। अब ये इक्वेशन काम आएगा। उसके बाद लिखा है फाइंड द एज ऑफ सी 4 ईयर हेंस, 4 साल बाद सी का एज निकालना है, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 32 साल और 23 साल प्लस में सी इक्वल टू में 86 साल। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 55 आ जाएगा। अब इस 55 को 86 में से घटा दीजिए, 55 माइनस में 86, तो सी का एज कितना हो जाएगा 31 ईयर, बट सी का ये प्रेजेंट एज पूछा हुआ दिया हुआ है, तो प्रेजेंट एज पूछा नहीं है, तो सी का एज जो निकालना है वो कितना हो जाएगा, सी का एज हो जाएगा 4 साल के बाद है, 31 प्लस में 4, मतलब ये हो जाएगा 35 साल का है, सी कितने साल का है, 35 साल का। आंसर देखिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 35 साल कहाँ पे दिया हुआ है, देखिएगा 35 साल दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 21 को भी हमने काफी आसानी से बना लिया। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। 22 में पूछा गया कि ए इन्वेस्ट 12,000 रुपए फॉर एक्स मंथ है, वाइल बी इन्वेस्ट 16,000 रुपए फॉर 9 मंथ है, तो आपको निकालना है द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज 12,000 रुपए आउट ऑफ 21,000 रुपए, मतलब 21,000 में से बी को 12,000 रुपए मिलता है, तो ए को 9,000 रुपए मिलेगा, देन द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 12,000 है यहाँ पे, तो 12 गुना में x कीजिए, क्योंकि 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, क्योंकि सबके पास 1,000 है यहाँ पे, और बी इन्वेस्ट करता है 16,000 9 मंथ के लिए, मतलब 16 गुना में 9 कर देंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, ये रेशियो होता है प्रॉफिट के रेशियो के इक्वल। अब प्रॉफिट ए का कितना, बी का 12,000 है, तो ए का 9,000 रुपये होगा, 21,000 में से टोटल प्रॉफिट में से 12,000 को घटा देंगे तो 9,000 रुपये,
तो इसका भी 3 0 हटा ही लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि दोनों 1000 में है। अब 3 से काटिए, 3 तिया हो जाएगा, 3 से काटिए, 3 चौके हो जाएगा, 4 से काटिए, 4 चौके हो जाएगा, 3 से काटिए, 3 चौके हो जाएगा, 3 तिया हो जाएगा, और 4 से 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो मुझे लगता है कि एक्स का वैल्यू कितना आना चाहिए, एक्स का वैल्यू 9 मंथ आना चाहिए। एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 9 मंथ आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये जो पैसा इन्वेस्ट किया था 9 मंथ के लिए पैसा इन्वेस्ट किया था। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 भी हमने बना लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया, पूछा गया है कि ए मिक्सर ऑफ ए मिल्क एंड वाटर कंटेन 60% मिल्क एंड रिमेनिंग वाटर। मतलब अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में, तो मिल्क बोला गया कि 60 है 100 में से, और वाटर 40 है, ठीक है ना, ये चीज बोला गया। आगे देखिएगा, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन परसेंटेज इन मिक्सचर रिवर्स द प्रोपोर्शन ऑफ ए मिल्क एंड वाटर। मतलब उल्टा हो जाए, 60 का 40 हो जाए, 40 का 60 हो जाए, ऐसा कब होगा? तो 60 पानी ऐड करना होगा हम लोग को, एक्स परसेंट पानी ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा नीचे 60 हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा, ये रेशियो चेंज हो जाएगा। अब 1 0 से 1 0 कटेगा, 4 से 15 बार में कटेगा, अब कटेगा ये नहीं कटेगा, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 छके 90 हो जाएगा, 15 छके 90 हो जाएगा, 15 छके 90 हो जाएगा, इक्वल टू में 40 प्लस में एक्स हो जाएगा, मतलब यहाँ से एक्स इज इक्वल टू में कितना निकल जाएगा, 50 निकल जाएगा। एक्स इज इक्वल टू में 50% ही, देखिए ऑप्शन में दिया होगा 50%, ठीक है, क्योंकि जो भी हमने माना परसेंटेज में माना, तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर होगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने बना लिया। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, 24 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ए एंड बी बोथ स्पेंड 30% ऑफ देयर इनकम, मतलब दोनों का इनकम का 30% दोनों खर्च करते हैं, विच इज इक्वल टू 26,400, 26,400 वो 30% के इक्वल है। इफ ए इनकम इज 20% मोर देन बी, देन फाइंड इनकम ऑफ बी। तो यहाँ पे देखिएगा, ए इनकम इज 20% मोर देन बी, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, मतलब 120% अगर ए का है तो 100 रुपये बी का हो जाएगा, ये काटिएगा तो ये निकल जाएगा 6/5 निकल जाएगा, जब कैंसिल आउट कीजिएगा तो टोटल हो जाएगा 11x, उसका हो जाएगा 3, ये 6 5 11 होता है, तो 11x 30% उसका खर्च कर देंगे, और 26,400 रुपये जिसके इक्वल है ये। अब ये क्या होगा, कटेगा ये, मान लीजिए 1 0 से 1 0 कट गया, ये 33 से 11 से कटेगा कितने बार में, ये 24 बार में, 240 बार में, और 3 से 8 बार में कट जाएगा, मतलब x इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये निकल गया, x इक्वल टू में 8,000। अब b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, b इक्वल टू में 5x हो जाएगा, 5 गुना में 8 कीजिएगा, मतलब ये निकल जाएगा 40,000 निकल जाएगा, 40,000 b का इनकम हो जाएगा, मतलब 40,000 कहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर c में। तो देख सकते हैं कितना आसानी से ऑप्शन, मतलब हमने क्वेश्चन नंबर 24 को बना लिया, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, और इस क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, हटा देते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा हुआ है। लिखा गया है कि 12 जो फीमेल होती है काम को 64 दिन में पूरा करती है, तो देन फाइंड हाउ मेनी वोमेन विल बी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट 2/3 वर्क ऑफ सेम वर्क इन 16 दिन, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं, टाइम इंटू D1/Work1, ठीक है, इस फॉर्मूले पे बनाएंगे। तो यहाँ देखिएगा क्या लिखा है, 12 महिलाएं किसी काम को 64 दिन में करती है, मतलब कंप्लीट करती है, ठीक है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, कितनी महिलाएं होंगी, तो एक्स महिलाएं होंगी, तो उस काम को कितने दिन में करना है, 16 दिन में करना है, तो 16 से गुना करेंगे, और कितना काम करती है, 2/3 काम करती है, तो ये हमने इक्वेट किया। अब यहाँ 16 चौके 64 हो जाएगा, और कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ 48 हो जाएगा, 48 इक्वल टू में 3x/2 हो जाएगा, ये 3 नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा, मतलब यहाँ से क्या निकल जाएगा, x इज इक्वल टू में क्या निकल जाएगा, 32 निकल जाएगा, x इज इक्वल टू में 32 है, मतलब 32 महिलाएं है इसका 2/3 काम 16 दिन में करती है। तो देखिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों हमने 25 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के बना लिए, और ऐसे ही कुल मिला के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। दोस्तों वर्ड प्रॉब्लम में जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे, या जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे, उन सभी को इस वीडियो में हमने देख लिया, अच्छे तरीके से देख लिया।
इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेवल इससे भी आसान होगा, इजी होगा, ठीक है। और टॉपिक आप देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक को मैंने कवर कराया, उनको भी आप देख सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए वर्ड प्रॉब्लम में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने बेसिक क्लास बनाया हुआ है रेलवे का, वो जाके अगर आप देख लेंगे तो आपका एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 10 के 10 बन जाएंगे, ठीक है। तो उनको भी आप देख लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहे। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।